पिपराई थाना क्षेत्र के जंगल छत्रधारी टोला शाहगंज में मंगलवार की रात बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के बड़े भाई दीपू निषाद को गोली मार दी। गोली चलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसी बीच बदमाश विपिन सिंह दोनों हाथों में असलहा लिए प्रॉपर्टी डीलर छोटू पासवान के घर पर चढ़ गया और गोली चलाने लगा। इस दौरान वहां पर खेल रहे 10 साल के बच्चे आदित्य शर्मा पुत्र राजू शर्मा के गले में गोली लग गई। सूचना पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम ने भी पुलिस के साथ घेराबंदी कर ली और बदमाश विपिन सिंह से मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से की चली गोली में बदमाश विपिन सिंह गोली लगने से घायल हो गया। उसे भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। एसएसपी डॉक्टर सुमित गुप्ता ने बताया कि बदमाशों की गोली से घायल बच्चे और युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है जिससे बदमाश को गोली लगी है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा दो मिनट से पता लग जाएगा। एसएसपी साहब सब पकड़ लिए और भी लोग पकड़ लिए गुलरिया थाना क्षेत्र में एक गोलीबारी की सूचना जब प्राप्त हुई तो पुलिस और एसओजी की टीम भी मौके पर पहुंची है और वहां से एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला जिसका नाम दीपचंद है, यहां मेडिकल कॉलेज में है। उसको हाथ में गोली लगी है और वो खतरे से बाहर है। साथ ही साथ एक छोटा बच्चा 8-10 साल का है जिसको गले में भी थोड़ी सी लगी है और पुलिस ने बड़ी बहादुरी से उस अपराधी की घेराबंदी करते हुए उसको गोली मार करके उसको कब्जे में किया है और अपराधी जो है उसकी पहचान विपिन सिंह के रूप में हुई है जो कि एक बहुत ही नोटोरियस अपराधी है और शायद रिसेंटली वो अभी जेल में से छूट के आया है और उसके पास से दो फायर आर्म्स भी बरामद हुए हैं। जी, जैसा कि सामने आ रहा है कि ये जो विपिन सिंह अपराधी है ये किसी और के साथ चलता है और जो व्यक्ति घायल हुआ है, हालांकि उसने पहचानने से इनकार किया है, अभी मैंने खुद उसको बयान लिया तो उसने पहचानने से इनकार किया है कि किसने गोली चलाई है और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि वो नशे की कैसे चला रहा था, पता नहीं क्यों उसने गोलियां चलाई, किधर चलाई और लोग बहुत थे वहां पर, खेतों में भीड़ आ गई थी और पुलिस ने बड़ी मशक्कत से अपराधी की घेराबंदी करके और उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, बरामद किया।